नियासिनामाइड। आजकल हम टीवी में बहुत ज्यादा कुछ देख रहे हैं कि नियासिनामाइड हर जगह नियासिनामाइड है। क्या आप लोग जानते हैं कि नियासिनामाइड एग्जैक्टली है क्या? तो आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी व्हाट इज नियासिनामाइड। सो नियासिनामाइड इज आल्सो नोन एज विटामिन बी। सो नियासिनामाइड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन की प्रॉब्लम को ट्रीट करता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये उसका ऑयल कंट्रोल करता है और आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो ये आपकी जो इरिटेशन होती है फेस पे, जो उसकी रेडनेस होती है, उसे काम डाउन करता है। अगर आपकी स्किन में पिगमेंटेशन है, ये उस पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, उसके ट्रीट करता है। तो नियासिनामाइड सीरम को लेकर लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि नियासिनामाइड सीरम जो है वो कौन से एज ग्रुप वाले लोग यूज कर सकते हैं, किस तरह यूज कर सकते हैं और कितनी परसेंटेज हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल होगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि जो नियासिनामाइड सीरम है उसका एज ग्रुप है आप 18 प्लस से लेके 35 प्लस तक कोई भी इस सीरम को यूज कर सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। सेकंड, इफ यू आर अ बिगिनर तो आप इसको 5-10% रेंज में यूज कर सकते हैं और ये हर स्किन टाइप के लिए बेनिफिशियल है। सो इसका स्किन का कोई कंसर्न नहीं है, इसको कोई भी स्किन टाइप इसको यूज कर सकते हैं। सो हाई, आई एम रितिका, डायरेक्टर ऑफ कैमरी। सो मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ कैमरी का नियासिनामाइड 10% प्लस जिंक 1%। सो ट्राई दिस सीरम एंड हमें बताइए कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिले नियासिनामाइड 10% यूज करने के साथ। और अगर आपको कोई भी स्किन इशू है, तो कोई भी स्किन कंसर्न है, तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।